सरायकेला जिला राष्ट्रीय सूडी समाज के नाम पर स्वयं संभू प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महिला मंत्री, युवाध्यक्ष बनकर और निजी वाहनों में बोर्ड लगाकर प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों और समाज को गुमराह कर रहे वैसे लोगों पर राष्ट्रीय सूडी समाज द्वारा कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। इसकी जानकारी राष्ट्रीय सूडी समाज संस्थापक कृतिवास मंडल ने दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सूडी समाज अब एक रजिस्टर्ड समाज है और समाज का अभी तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य बातें यही है कि राष्ट्रीय सूडी समाज एक रजिस्टर्ड समाज है हमारा, और जिसका उपयोग आए दिन कुछ लोग जो है स्वयंभू प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष, महिला महामंत्री बन करके जो है बोर्ड लगा के घूम रहे हैं ये लोग। साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के पास जाकर जो है सहयोग मांगा जा रहा है, जबकि ये राष्ट्रीय सूडी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ये किसी को भी इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि राष्ट्रीय सूडी समाज एक रजिस्टर्ड संस्था है और उस संस्था का अभी तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ है। जब चुनाव हो जाएगा, जब हम लोग मनोनीत कर देंगे, चुनाव में जो लोग भी आएंगे, समाज के लोग अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, समाज जिसको चाहेगी, उसके बाद वो बोर्ड लगा के घूम सकते हैं, वो लोग जो है हर जगह जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर कोई भी लोग इस तरह का दुराचार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, समाज का नाम को बेचते हैं, तो उस पर जो है राष्ट्रीय सूडी समाज आप कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य हो जाएगी। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड च्वाइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।